न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गति के संबंध में वो समीकरण दिए। ये तीन समीकरण, पहला v बराबर u प्लस pt, दूसरा s बराबर ut प्लस ऑफ kt स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। न्यूटन के अनुसार गति के तीन समीकरण बराबर औसत भी
है, दूरी s बराबर u प्लस v बाय 2, समय हुआ कितना t। अब v का मान यहाँ से रख दे, u प्लस at, s बराबर u प्लस at बटे दो, दूरी कितना t। S बराबर U और U मिलके U प्लस AT अपॉन दो गुणे T। तय की गई दूरी S बराबर औसत एक गुणे समय 2U प्लस AT by 2 इंटू T। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, खोलेंगे तो दो से दोनों में डिवाइड होगा, s बराबर 2u और t से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2u t बटे क्या 2 प्लस at, और t से गुणा होगा तो at स्क्वायर बटे 2। ये दो अब कट जाएगा, s बराबर ut प्लस आप at स्क्वायर। एक गति के तीनों समीकरण प्रूव करने के तीन नियम है, साधारण विधि से गति के समीकरण की जांच हो रही है या प्रूफिंग हो रही है। सेकंड है s बराबर ut प्लस आप at स्क्वायर, गति की द्वितीय समीकरण तीन समीकरण है जिसमें दो समीकरण, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहला v बराबर, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, इसी से चलेंगे हम लोग। प्रथम समीकरण पढ़े, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यदि वर्ग करके दोनों पक्ष का गति के प्रथम समीकरण में, तो बाएं पक्ष आएगा v स्क्वायर बराबर u प्लस at का होल स्क्वायर। अभी आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस t स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u at, या a स्क्वायर प्लस b vb प्लस t स्क्वायर होगा, a स्क्वायर t स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह 80 है a स्क्वायर t स्क्वायर, और ये हो गया 2ab 2u80। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दें, 2a कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ 2a कॉमन ले लेंगे तो आएगा यूटी, यहाँ दो नहीं है, यदि दो नहीं है और कॉमन ले लिया जाए तो उससे भाग हो जाता आ, ए बाहर है तो एक ए बचा, टी ए स्क्वायर ज्यों का त्यों हो गया। तो इन दोनों में 2a कॉमन ले लें तो यहाँ यूटी बचेगा, यहाँ दो नहीं है और दो कॉमन लेंगे तो दो से भाग करना पड़ेगा ताकि ये अंदर जाए तो फट जाएगा। और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में ए बाहर हो गया तो बचा ए, और टी स्क्वायर यहाँ का तीन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस। अब गति का दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a और इतनी वैल्यू s हो है, जहां s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरी समीकरण से, दूसरी समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ये गति का तीसरा समीकरण है। के जगह एन सेकंड लिए हैं, यू एन प्लस हाफ ए
in this world minus n minus 1 से भी नीचे चली गई होगी, तो n minus 1 के लिए क्या रखेंगे, Sn हो गया Sn minus 1, U P के जगह रखेंगे n minus 1 half P n minus 1 का और स्क्वायर T second T की जगह n minus 1 रखेंगे इसी सूत्र में तो ये आ जाएगा n रखेंगे Sn equal to हो जाएगा un plus half e n square. इस सूत्र से Sn ये t second में चली गई दूरी, n second में चली गई दूरी, n minus 1 second में चली गई दूरी, n minus 1 second में चली गई दूरी को minus कर दें u n minus 1 plus half e n minus 1 का हर स्क्वायर आएगा s n में सेकंड में चली गई दूरी s n n सेकंड में चली गई दूरी n minus 1 n minus 1 सेकंड में चली गई दूरी ने t के जगह n minus 1 t के जगह n रखना. अब हम इस समीकरण को लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस बराबर क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ ए n स्क्वायर ए त्वरण है माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा un u माइनस u प्लस हाफ ए हाफ ए और ब्रैकेट के अंदर आएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन एन माइनस वन का होल स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस टू एन टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वन ब्रैकेट रहने दिए हाफ ए बाहर है इतना ब्रैकेट खोल दिए इवन माइनस S बराबर un प्लस हाफ e e स्क्वायर माइनस un माइनस u u इनटू n है un माइनस u प्लस हाफ e n स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस दो दो कट जाएगा आएगा कितना ए एन हाफ ए एन टू टू एन टू 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 कट जाएगा ए एन प्लस हाफ ए आएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ब्रैकेट को खोलेंगे आएगा इस ब्रैकेट को खोलेंगे आएगा un plus half a in square un minus u plus half a n square minus a दो दो कट चुका और ये half a yeah.
योर टर्म बच जाती है यू प्लस ए ए माइनस हाफ ए एस बराबर यू प्लस हाफ ए कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा जिसमें दो कॉमन दो नहीं है दो कॉमन ले लिए तो दो से हाफ कॉमन ले लिए तो दो से भाग है तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा कितना आएगा टू एन डी बाहर माइनस हाफ ए पूरा बाहर हो गया तो क्या बचेगा वन एस बराबर आया यू एन यू प्लस हाफ ए यू एन माइनस वन ये है एन में सेकेंड में चार समीकरण हो गए पहला v बराबर u प्लस at दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर तीसरा स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए अगला एस बराबर यू प्लस हाफ ए टू ए माइनस वन यह है एनवे सेकेंड में चली गई दूरी